हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोग इनको तो पहचानते ही होंगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था। एक जर्मन मूल के थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने व्यापक रूप से अब तक के सबसे महान फिजिसिस्ट में से एक माना जाता है। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता, भौतिक विज्ञानी और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध समीकरण के निर्माता के रूप में अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक प्रभावशाली जीवन था, लेकिन एक उल्लेखनीय शीर्षक था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इसराइल के राष्ट्रपति, इसराइल के पहले राष्ट्रपति चैम विजमैन ने कहा कि आइंस्टाइन सबसे महान यहूदी जीवित हैं, इसलिए 9 नवंबर 1952 को विजमैन की मृत्यु के बाद केवल एक उत्तराधिकारी स्वाभाविक रूप से उपयुक्त लग रहा था। जैसे इसराइल के दूतावास ने 17 नवंबर को आइंस्टाइन को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति पद की पेशकश करते हुए एक पत्र भेजा। पत्र में कहा गया कि उन्हें इसराइल जाना होगा, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता नहीं करनी होगी कि नौकरी उन्हें अन्य हितों से विचलित हो रही है। आखिरकार यह सिर्फ राष्ट्रपति पद था। एक इसराइल राजनयिक अब्बा इबान ने लिखा, प्रधानमंत्री ने मुझे आश्वासन दिया है कि ऐसी परिस्थितियों में आपके महान वैज्ञानिक कार्य को आगे बढ़ाने की पूरी सुविधा और स्वतंत्रता एक सरकार और ऐसे लोगों द्वारा दी जाएगी जो आपके मजदूरों के सर्वोच्च महत्व के बारे में पूरी तरह जागरूक हैं। और आइंस्टाइन के बुढ़ापे के बावजूद, वे उस समय 73 वर्ष के थे, वे एक लोकप्रिय विकल्प होते एक बात के लिए। एक जर्मन में जन्मे प्रोफेसर के रूप में, जिन्होंने हिटलर के सत्ता में आने के दौरान अमेरिका में शरण ली थी,